हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सोना टिप्स में। मैं हूँ सोनाली, आपकी दोस्त। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है एक्टिविटी चारकोल मास्क का एक पूरी डिटेल्स, जिसके बारे में आपको पता चलने वाला है आज। इसका प्राइस क्या है, कौन से ब्रांड का है और किस स्किन टाइप के लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए और कितनी बार यूज़ करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। दोस्तों, पहला जो सवाल है चारकोल मास्क के बारे में, ये कौन से ब्रांड का है? ये गुड वाइब्स का है, जो कि सस्ते में, किफ़ायती में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे। ये जो गुड वाइब्स का ब्रांड है दोस्तों, इसमें आपको पैराबिन फ्री ये चारकोल मास्क मिलने वाला है, जो कि पैराबिन बहुत सारे प्रोडक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में ज़्यादातर पैराबिन होता है, तो वो इसमें नहीं मिलेगी। ओके, तो अब दूसरी चीज़ आते हैं कि ये कहाँ पे मिलेगा। ये आपको पर्पल में ही मिलेगा और कहीं पे गुड वाइब्स का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये पर्पल में मिलेगा। अब इसका प्राइस क्या है, प्राइसिंग की बात पे आते हैं। प्राइसिंग जो है इसकी, ये है 175 और इसके अंदर मतलब इसमें MRP दिया हुआ है 225, बट आपको आप जब खरीदोगे तो आपको 175 पे करना पड़ेगा या फिर आपको 159, क्योंकि मैंने दो बार ख़रीदा था तो मुझे एक बार 175 और एक बार 159 पे करना पड़ा था, तो ये ऑफ़र पर डिपेंड करता है। अब ये कितना सूटेबल है, ये काम कैसा करता है बताती हूँ। ये किस टाइप, कोई भी चारकोल, मतलब ये जो चारकोल मास्क है ये आप किस स्किन टाइप के लोग, कौन से स्किन टाइप के लोग इसे यूज़ करते हैं, तो आप अगर ड्राई स्किन वाले हैं, अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं, अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपका सेंसिटिव स्किन है, या फिर आपकी स्किन में बहुत सारे पिंपल्स हैं, दाने हैं, ये सारी चीज़ें, तो कोई भी हो ये स्किन, मतलब किसी भी स्किन टाइप के लोग, मतलब कोई भी, आप ये चारकोल मास्क ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आपको ग्लिसरीन है, उसके साथ कायलोन क्ले है, जो कि मेन चीज़ है। मतलब आपके स्किन को, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपको स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि ग्लिसरीन है जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, लॉक कर देता है मॉइस्चराइजेशन को, तो और कायलोन क्ले है जो कि हमारे स्किन में ब्राइटनेस को भी बढ़ा देता है। तो ये फेस मास्क आपके क्या काम आने वाला है, तो ये आपके अंदर की जो भी डर्ट है, आपके रोम छिद्रों में बसा हुआ जो डर्ट है ना, उसको ये खींच के निकालेगा, ये रहने नहीं देगा वहाँ पे। ओके, तो दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर की जो भी बैक्टीरिया है उसको भी ये ख़त्म करने वाला है, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सबको ये ख़त्म करेगा धीरे धीरे। आपको क्या करना है, और आपकी स्किन की जो ब्राइटनेस है उसको काफ़ी हद तक बढ़ाएगा इसकी रेगुलर यूज से। रेगुलर मतलब आपको हर रोज़ यूज़ नहीं करना है, आपको हफ्ते में या 3 बार यूज़ करें या फिर 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि हर दिन आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और ब्राइट जो कलर है ना, आपका जो स्किन का टेक्सचर है, आपका जो भी कम्प्लेक्शन है, उसको उसके अंदर जितने भी, ज़्यादातर हम लोग स्किन का केयर नहीं करते हैं, उसमें टैन पड़ जाते हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा स्किन जो भी कलर है वो ब्राइटनेस ख़त्म हो जाती है, तो वो उस ब्राइटनेस को आपको वापस दिलाएगा धीरे धीरे। तो बस इतना था, बस यही था दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है और कब तक इसको लगा के रखना है, इसको धोना कैसे है। तो पहले बता दूँ कि इसको आप जब फेस पे लगाओगे तो आई एरिया से दूर लगाना है, ठीक है, ये पोर्शन पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है इसको, और 10 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। थोड़ा सा ले रही हूँ अपने हाथों में और इसी तरीके से पूरे मुंह पे लगा लेना, अगर ब्रश है तो ब्रश लगा लीजिए, मेरे पास नहीं है अभी तो मैं अपने हाथों से ही लगा लेती हूँ। ऐसे ही पूरे मुंह पे मैंने जैसे लगा लिया वैसे ही लगा लेना है, आई एरिया को मतलब छोड़ के लगाना है। अब 10 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ, 10 मिनट तक मैं ये सूख जाने तक मुझे वेट करना पड़ेगा। दोस्तों, एक स्प्रे बोतल में मैंने पानी डाल लिया, बस पानी को मुझे पूरे फेस में स्प्रे कर लेना है और स्प्रे करने के बाद सर्कुलर मोशन में पूरे फेस को मुझे मसाज करना है, पूरे मास्क को जो सूख गया था, और उसके बाद इसको पानी में अच्छे से धो लेना है, ठीक है। और इसको धोने के बाद आपको सीरम लगा लेना चाहिए, कोई भी फेस सीरम।
तो दोस्तों मैंने अपना फेस जो था उसको क्लीन कर लिया है, क्लीन एंड क्लियर लग रहा है मेरा फेस। थोड़ी देर पहले मैं जैसा मेरा स्किन जैसा लग रहा था उससे काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो दोस्तों ये था आज का चारकोल फेस मास्क के बारे में पूरी डिटेल्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको इसके बारे में और कुछ जानना है या इसके बारे में कोई और डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। देखो दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात कह देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बांग्ला लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो इंतज़ार कीजिए, कल मैं इसको बांग्ला में पोस्ट करने वाली हूँ। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हो? दुनिया का सबसे आसान और सबसे बड़ा काम ही आपने नहीं किया। चलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपकी हेल्प की होगी तो लाइक करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और शेयर ज़रूर करना। तो चलती हो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।